तो हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हो ऑस्टिन नेक्स्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीवी रोम 2 के बारे में और इसी का रिव्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बॉक्स में जैसे इधर साइड में लिखा हुआ है कि इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया, तो ये बात बहुत अच्छी है कि ये पूरा स्पीकर जो है पूरा इंजीनियर पूरा इंडियन डिज़ाइन है और इंडिया में ही पूरे इसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो बॉक्स को खोलते ही हमें इसके अंदर कुछ कागजात मिलते हैं और ये है वारंटी कार्ड, जो कि आप आसानी से इनेबल कर सकते हैं। इधर आपको एक QR कोड मिलेगा, उससे आप स्कैन करके आप डायरेक्ट आप व्हाट्सएप उनके चैट में, उधर आपको अपना बिल का फोटो खींच के देना पड़ेगा। मेरा तो 2 मिनट के अंदर ही ये वारंटी इनेबल हो गया था, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद इधर देखते हैं बॉक्स की तरफ, तो हमें इधर कुछ कागजात फिर से मिलते हैं और मतलब अनबॉक्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत कुछ डाल के दिए। तो इधर हम खोल के देखते हैं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मिलते हैं और यहाँ पे मैनुअल, यूज़र मैनुअल मिलता है कैसे ऑन करना है कैसे ऑफ़ करना है। तो यही है बस इसकी बातें, मतलब है कि इसकी मैनुअल की बातें। अब बाकी आगे बढ़ते हैं बॉक्स में, इधर देखें तो इधर रखा हुआ है अपना मेन जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक 5 वॉट का स्पीकर। तो उसके बाद अंदर देख लेते और बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग को मिलता है एक USB केबल और एक ऑक्स केबल। अब सभी चीज़ों को साइड करते हुए बढ़ते हैं स्पीकर की तरफ। तो जैसे ये स्पीकर को निकालते हैं तो इसका बहुत जनों को डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बहुत जनों को अच्छा लगेगा, उसका पर्सनल चॉइस होती है। तो कुछ जनों को ये ओल्ड फैशन लगेगा, मेरे को भी थोड़ा सा ओल्ड लगा था, जो सारे गामा कारवां टाइप का आते उसी टाइप का है कुछ। तो पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये 5 वॉट का आउटपुट देने वाला स्पीकर है, जिसमें आपका 2000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ब्लूटूथ स्पीकर में 2000 mAh की बैटरी डालना, मोबाइल में तो सुनने में आसानी लगता है, पर ये एक स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर में यही चीज़ देना बहुत ही बड़ी बात है। तो इससे कंपनी क्लेम करती है कि आपको इससे 24 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा फिर, और मीडियम वॉल्यूम पे। तो मेरे को लगता है अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको कम से कम 12 से 14 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगा। और बात करें इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये स्पीकर आता है, तो उस हिसाब से बहुत ही बड़ी बैटरी है, बहुत ही अच्छा आपको बैटरी एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसका बैटरी लाइफ होगा। बात करें इसके बिल्ड की, तो सामने इधर आपको एलुमिनियम बॉडी देखने को मिल जाती है, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है और ठीक ठाक क्वालिटी की है। और हम बात करें इधर पीछे की तरफ, इधर आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, जो सॉफ्ट प्लास्टिक है। क्वालिटी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया है या फिर बहुत ही ख़राब है, ठीक ठाक है। और बात करें अगर हम इसके बटन्स की, तो इधर आपको एक मिल जाता है आपका प्ले एंड पॉज बटन, और ये एक प्ले बटन है जो आप पॉज करने को डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। और इधर आपको मिल जाता है साउंड कम करने का और बढ़ाने का बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, जिससे आप होल्ड करके रखेंगे तो आप इससे नेक्स्ट सॉन्ग, और मतलब प्लस वाले जिससे वॉल्यूम बढ़ाने वाले से आप नेक्स्ट सॉन्ग भी सुन सकते हैं, और माइनस को ऐसे दबा के रखेंगे तो आप प्रीवियस सॉन्ग भी सुन सकते हैं। और इसमें बिल्ड की बात कर ही रहे तो बता दूँ ये IPX7 रेटिंग का स्पीकर है। तो अगर आपको पता नहीं है IPX7 क्या होता है, ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये देखिए आपकी इधर एक चार्ट दिख रहा होगा, तो इस चार्ट के हिसाब से ये पता चल रहा है कि ये 1 मीटर के पानी तक और 30 मिनट तक ये आराम से सर्वाइव कर लेगा। पर अगर कोई बाहर लेके जाएगा स्पीकर को तो कहीं पर भी गिरा देगा, तो देख के गिराएगा नहीं कि इधर वो 1 मीटर तक का पानी है। तो हो सकता है आप क्या देखें, मतलब है कि फिर भी आप इसको ऐसा मत कीजिएगा कि 1 मीटर तक आप इसको पानी में डुबा के रख दे और गाना सुन, खराब हो सकता है। इसकी वारंटी नहीं मिलती है, ये सिर्फ एक रेटिंग है, ऐसे रेटिंग सही होती है फिर भी इसकी वारंटी नहीं दी जाती, तो आप ट्राई मत कीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसकी कनेक्टिविटी के साथ ब्लूटूथ 5 आता है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा, मैं कहूँगा थोड़ा सा अच्छा दिया है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने दिया 4.24 ऐसे ही कुछ देते हैं, इसने 5 दिया, ये बहुत ही सही बात है। और अगर हम स्पीकर के साइड इस तरफ देखेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसको अब आराम से खोलिएगा नहीं तो टूट सकता है। तो इधर आपको एक USB केबल मिलता है और एक ऑक्स केबल मिलता है, इधर माइक दिया हुआ है जिससे आप गूगल असिस्टेंट हो सीरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो और बात आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं इसका जो मेन
चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो मैं इधर आपको सुना तो दूंगा, पर आपको ठीक से आपको पता अंदाज़ा नहीं लग पाएगा जब तक अपने कानों से ना सुने, फिर मैं आपको सुनाने की ट्राई करता हूँ। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. इसकी साउंड क्वालिटी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो मैं पहले जो स्पीकर यूज़ कर रहा था मेरे को उससे बढ़िया लगा है, तो उससे बढ़िया ही होगा, प्राइस का भी बहुत डिफरेंस है। तो मेरे को तो स्पीकर का मतलब है कि क्वालिटी बहुत ही सही लगा। आपको 50% to 70% अच्छा साउंड देगा, अगर आप 100 पे शिफ्ट कर दोगे तो क्या ही मज़ा ही आ जाएगा। और इसका बेस बहुत अच्छा है, बाकी सब बहुत ही अच्छे क्वालिटी, एकदम अच्छी आवाज़, फुल साउंड में थोड़ी सी भी नहीं फटती है, तो साउंड क्वालिटी बहुत सही है। अब इसका कर लेते हैं एक बार माइक का भी टेस्ट कर ही लेते हैं, तो इसको भी आपको माइक का टेस्ट भी करके दिखाते हैं। ओके गूगल, हु आर यू? आई एम योर गूगल असिस्टेंट। आई कैन लुक अप आंसर्स फॉर यू और हेल्प यू विद फाइंड द क्विकेस्ट वे होम। इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट आस्क, योर विश इज माय कमांड। ओके गूगल, बाय। बाय फॉर नाउ। Call when you need something. तो माइक की क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपको ये स्पीकर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने अमेजोन से लिया था 1100 के अराउंड, हाँ 1100 में ही लिया था। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका दो मेन हाइलाइट्स है कि ये पूरा का पूरा मेड इन इंडिया है, इंजीनियर्ड इन इंडिया है। और इसमें जो सबसे पावरफुल चीज़ है, वन ऑफ द, इसकी बैटरी है। इसको आप एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, कंपनी कहती है एट मीडियम वॉल्यूम, फिर भी 12 to 14 hours आपको बैटरी बैकअप दे देगा। यही दो इसके मेन हाइलाइट्स है, पर स्पीकर बहुत ही ज़ोरदार है। अगर मैं इसको अगर कंपेयर करने जाऊँ इसी के प्राइस के, एक बूट का स्पीकर आता है बूट स्टोन 170, तो आपको इतना कुछ नहीं मिलता जो कुछ ये प्रोवाइड करता है आपको। इसमें आपको अब मिल जाता है ब्लूटूथ 5, और बूट स्टोन 170 में आपको 4.2 ब्लूटूथ मिलता है। IPX6 का रेटिंग है जिसको आप वाटर स्प्लैशेस से प्रिवेंट होगा, और इसमें IPX7 की रेटिंग है जिससे आप 1 meter के पानी तक, ये डेप्थ तक सर्वाइव कर सकते हैं 30 मिनट्स तक। ओवरऑल ये बहुत ही एक सही पैकेज है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है इस प्राइस रेंज में, आप इसको बिल्कुल ही कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, इसके एक कॉन्स जो मेरे को लगा, जो एक खराबी लगी मेरे को, मैं भी सोचा बता देता हूँ। तो इसमें मेरे को ये चीज़ ख़राब लगा कि इसमें आपको मेमोरी कार्ड डालने के लिए स्लॉट नहीं मिलता। ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगी, अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। बहुत जन होते हैं जो मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करके गाने सुनते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करते हैं। इधर ये चीज़ मिल जाती है, इधर मिला ही नहीं है, जो आपके बूट स्टोन 170 में मिलता है। ये चीज़ सच में ठीक नहीं लगी, ये इनको कंपनी को देना चाहिए था 1100 का प्राइस। ये मिल जाता तो ये बेस्ट स्पीकर ही हो जाती, इसकी वजह से वन ऑफ द बेस्ट बोला जा रहा है। और हाँ, अगर बात आए तो मैंने ये स्पीकर क्यों लिया, तो मेन प्रॉब्लम एक सर्विस है, मतलब ये बात बोलना ज़रूरी है, आप सबको भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए इसके बारे में, कि जब मैंने जो पिछला जो फोट्रॉन P10 स्पीकर लिया था, जिसका मैं रिव्यू डाल दिया हूँ एक बार, बहुत मतलब एक उस प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही स्पीकर था, अराउंड याद नहीं 350 or 400 के अराउंड था वो स्पीकर, बहुत ही सही स्पीकर था उस प्राइस रेंज के हिसाब से। पर उसकी सर्विस इतनी ठीक नहीं लगी, वो बीच में एक बार बंद सा हो गया था, तो मैंने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया था कि इसका स्पीकर बंद हो जा रहा है। वो तो कंपनी तो रेडी थी फ्री में रिप्लेस कर देने के, उन्होंने कहा था, उनका एड्रेस मुंबई में था, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, उन्होंने कहा कि उधर आप स्पीकर को कोरियर कर दो, तो मेरे को कोरियर चार्ज ही मेरे को 200 से 250 के बीच लग जा रहा था। तो मेन बात है, तो मैं 100-150 रुपये दे के नया स्पीकर ले सकता हूँ, तो मैं 200 रुपये का कोरियर चार्ज क्यों दूँ? तो उससे बढ़िया तो मैंने इधर ही किसी जान पहचान वाले को मैंने बोला दे दिया, उन्होंने उसने पैसे भी नहीं लिए, सिर्फ थोड़ा सा तार खुल गया था फिर से जोड़ दिया, चलने लगा, बहुत सही।
तो यही एक चीज़ है जो आप सबको भी ध्यान देनी चाहिए कोई भी सामान लेने से पहले, कि उसके सर्विस के बारे में, उसके सर्विस सेंटर के बारे में। सर्विस JBL की आग बंद करके सबसे अच्छी होगी स्पीकर के बारे में। JBL और सोनी अगर हाई प्राइस में जाएंगे 8,000-9,000, अब उन्हीं दोनों स्पीकर को कंसिडर कीजिएगा। फिर भी इधर सर्विस का तो अभी मेरे को इसका तो कुछ पता नहीं है अभी तक। इधर मैंने सिर्फ वारंटी को इनेबल किया, वो भी बहुत जल्दी हो गया, 2 मिनट के अंदर। मेरे को बहुत सही चीज़ लगी, तो उम्मीद करता हूँ इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी होगी। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और माइक की क्वालिटी आप बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि ये मैंने एक हेडफोन लिया था, 1 साल हो गए इसको। आप बोलेंगे तो मैं इसका भी रिव्यू करूँगा, 1 ईयर रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।